तो गाइज ये है मारुति सुजुकी का सबसे ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि आपको नेक्सा में ही देखने को मिलेगा। ये है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। अभी कंपनी ने जो है इसके प्राइस लॉन्च नहीं किए हैं, सिर्फ गाड़ी ही शोरूमों के अंदर आप लोगों को अनवील की गई है। ये आप लोगों को ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। इसके अंदर सिग्मा डेल्टा जेटा अल्फा ये तो आप लोगों को माइल्ड हाइब्रिड में मिल जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आएगा। इसके अंदर जेटा प्लस और अल्फा प्लस जो वेरियंट है वो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिल जाएगा। तो ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, अल्फा प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। डीजल इंजन है जो इस गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। और कलर ऑप्शन की इस गाड़ी के अंदर बात की जाए तो आप लोग को मिल जाएगा व्हाइट, ब्लू, रेड, सिल्वर, और जिसका ब्राउन कलर आएगा वो सिग्मा वेरिएंट को छोड़ के उस सुपर सभी वेरिएंट है उसके अंदर मिल जाएंगे। और जैसे इसका ड्यूअल टोन कलर आएंगे, सिल्वर के अंदर आएगा, व्हाइट कलर के अंदर आएगा, वो आप लोग को जेटा, अल्फा और अल्फा प्लस इन तीन वेरिएंट्स के अंदर जो है ड्यूअल टोन के साथ में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, कैसे का कम्फर्ट है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर गाइस हम मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोग को नीचे स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो गाइस जैसे आप पहले इस गाड़ी की लुक देखोगे, फ्रंट प्रोफाइल से ज़्यादा जो लुक है इस गाड़ी की आप लोग को बैक प्रोफाइल में देखने में ज़्यादा बेहतरीन सी ये लगने वाली है। बाकी बैक की तरफ जाएंगे ना तब दिखाता हूँ इसकी बैक प्रोफाइल कैसी है। और स्टार्ट होने के बाद भाई इंजन जो है इसका इतना रिफाइन है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। अभी देखो इसका इंजन स्टार्ट है, आप सुनो भाई एक बार आवाज़। बहुत रिफाइनमेंट के मामले में जो ये गाड़ी है भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। इसके अंदर जो DRLs दे रखे हैं ना यहाँ पे ऊपर की तरफ में आप लोग को DRLs मिल जाते हैं। ये ड्यूअल फंक्शन के साथ में दे रखे हैं जो कि आपके ब्लिंकर्स का वर्क करते हैं और DRLs का वर्क करते हैं। जो इसकी हेडलाइट है वो आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिल जाती है। हाई बीम एंड लो बीम दोनों ही प्रोजेक्टर LED में काम करते हैं। आगे की तरफ में देखोगे तो यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। अभी मारुति सुजुकी ने क्या कर दिया है, बलिनो हुई चाहे इनकी ब्रेजा हुई, ग्रैंड विटारा हुई, सभी के अंदर आप लोग को 360 डिग्री कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे की तरफ में ना कोई भी आप लोग को पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बड़ा क्रोम का सा यूज़ देखने को मिल जाएगा। अभी साइड प्रोफाइल में जैसे देखोगे तो जो इसके ORVMs हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। एंड इनके नीचे जो है आप लोग को कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। दोनों ORVM के नीचे कैमरा है और आगे की तरफ भी जो है कैमरा देखने को मिल जाएगा। ऑल ग्रिप भी ये गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी, यानी ऑल व्हील ड्राइव में भी जो है ये गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी। इस गाड़ी में क्या है आप लोग को फ्रंट भी डिस्क आ जाता है और जो पीछे है वहाँ पर भी डिस्क ब्रेक अवेलेबल हो जाता है। इसके साइड में जो क्लैडिंग घूमी हुई ना और गाड़ियों में क्या रहते हैं वहाँ पे आप लोग को रफ ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाती है, बट इसमें क्या है ये पियानो ब्लैक फिनिश में दी हुई है। ब्लू कलर पर्टिकुलरली आप ये देख रहे हो, देखने भाई जो नेक्सा ब्लू कलर है ना इनका एक मतलब ऐसे लगा लो कि नेक्सा ने जो ब्लू कलर है अपने निकालती है नेक्सा ब्लू कलर। हर एक गाड़ियों में आप लोग को नेक्सा ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। जो टायर्स हैं ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसके अंदर मिलते हैं, अपोलो के टायर्स आ जाते हैं। 215/60x17 का ये टायर सेक्शन है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स से आप देख रहे हो। जैसे ये वाली चौड़ाई हुई और जो टायर की चौड़ाई है ये आप लोग को सेम ब्रेजर जितनी ही मिलेगी, बट जो इसका डायमीटर है वो आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा 1 इंच कंपेयर टू ब्रेजर से। जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं ये आप लोग को बॉडी कलर्ड ही अवेलेबल होते हैं और रिक्वायर्ड सेंसर ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड मिल जाएंगे। जो इसके ग्लासेस हैं वो आप लोग को टिंटेड मिल जाएंगे। विंडो के नीचे जो है क्रोम लाइन का यूज़ मिल जाएगा, यहाँ पे भी क्रोम लाइन का यूज़ दिया हुआ है। पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाती है इसके अंदर जिसकी भाई ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है। इंटीरियर्स में जो आपको दिखाऊंगा कितनी वाइड है। जो इसके आप लोग को रूफ रेल्स मिलती है ये मेटल मिलते हैं जिनकी क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छी है। और जैसे आप देखोगे ना मारुति सुजुकी की गाड़ियों की जो फिट एंड फिनिश रहती है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सी रहती है। पीछे की तरफ भी जो है डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है आप लोग को शार्क फिन का एंटीना अवेलेबल हो जाता है और रूफ़ पे देखोगे तो यहाँ पे डिज़ाइन से दिया हुआ है। जैसे इस गाड़ी की जो हाइट है वो आपको थोड़ी सी कम लगेगी, बट जो गाड़ी की लेंथ है वो अच्छी सी ज़्यादा सी इसके अंदर में दी हुई है। पीछे ना आप लोग को डिफोगर, वाइपर दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दे रखा है और स्पॉइलर भी दे रखा है। जैसे इसकी आप टेल लाइट देखोगे ना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी लग रही है। पूरी कनेक्टिंग है, बीच में सुजुकी का जो लोगो है सिर्फ वही आप लोग को हटा हुआ मिलेगा, बाकी देखने बहुत बढ़िया है। और जैसे इंडिकेटर्स जो दे रखे हैं इसके हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं, नीचे रिफ्लेक्टर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी जो बैक लाइट दी गई है वो भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। हाइब्रिड की बैजिंग है, ग्रैंड विटारा की इसमें बैजिंग देखने को मिल जाएगी। कैमरा भी आप लोग को मिल जाता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। गाड़ी में क्या है आप लोग को पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अभी ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली गाड़ी है ना तो इसके अंदर आपका बूट स्पेस जो है कम हो जाएगा। ये वाली ट्रे तो निकल जाएगी आपकी जैसे थोड़ा सा बूट स्पेस इंक्रीज करना चाहते हो तो, बट
एक चीज देखोगे इसके नीचे जो है बैटरी दी गई है इसकी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आने के बाद क्या है आपका बूट स्पेस कम हो जाएगा, बट जैसे इसका माइल्ड हाइब्रिड जो आएगा उसके अंदर आप लोग को बिल्कुल फ्लैट ही मिलने वाला है। इस साइड में आप लोग को हेलोजन बल्ब के साथ में इसका बूट लैंप भी प्रोवाइड हो जाएगा, और जो इसका स्पेयर व्हील है यहाँ पे नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको सारी टूल किट्स वगैरह दी गई है। स्पेयर व्हील जो है इस गाड़ी का यहाँ नीचे की तरफ में देखने को मिलेगा, और इसका टायर सेक्शन देख लो भैया ये दिख नहीं रहा क्या है। बाकी एक ही एग्जॉस्ट पाइप इस गाड़ी में आप लोग को देखने को मिलेगी। चार पार्किंग सेंसर्स जो है गाड़ी में दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रे स्टोन का भी यूज़ देखने को मिल जाएगा। सेकंड रो की जो सीट्स हैं वो आप लोग को 60-40 स्प्लिट सीटें मिल जाएगी। पार्शल ट्रे भी जो है गाड़ी में अवेलेबल हो जाएगी। और जो गाइस इसके अंदर की मिलती है कुछ इस तरह की मिलती है, इसमें लॉक एंड अनलॉक का ही स्विच आता है। अभी गाड़ी के इंटीरियर में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी के अंदर में दी गई है। इस साइड में देखोगे तो चारों पावर विंडो के स्विचेज हैं भाई, यहाँ पे लेदर का वर्क है, यहाँ पे भी लेदर है, बाकी हार्ड प्लास्टिक का इसके अंदर यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप लोग को स्पीकर की प्लेसमेंट है, ऊपर ट्विटर की प्लेसमेंट है, बॉटल कैरी करने के लिए होल्डर भी जो है इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। लेदर अपोल्स्ट्री वाली सीट कवर्स मिलते हैं जिनकी बकेट फिटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है। ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड सीट जो है आप लोग को वेंटिलेटेड मिल जाती है। इस साइड में दिया गया है इसके लाइट ऑफ करते हैं, इस साइड में दिया गया है इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, HUD का, व्यू का, और ये आप लोग को जो है लाइट लेवलिंग के लिए, इसका फ्यूल लिड खोलने के लिए, हुड खोलने के लिए जो है यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है इसके ड्राइवर साइड में, और जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो आप लोग को टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ मिल जाता है। और हॉर्न जो है वो आप लोग कुछ इस तरह का मिलता है इसके अंदर में। ये आपके म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है, और मोड वगैरह यहाँ पे दे रखे, फोन पिक, फोन कट, इसके अंदर क्या है ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और इस साइड मिल जाते हैं आप लोग को वाइपर के कंट्रोल। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे ना भाई फुली डिजिटल दे रखा है, ये देखो काफ़ी तगड़ा सा एनिमेशन इसके अंदर आ जाता है। ये आप लोग को स्पीडोमीटर दे रखा है, यहाँ पे चार्जिंग दे रखा है, इको एंड पावर मोड, जैसे आपने कैमरे में देखोगे ना उसी तरह का इसके अंदर में सिस्टम दे रखा है। और ये आपका फ्यूल गेज है, ये टेम्परेचर वगैरह का दे रखा है। इसके अंदर जो टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है यार टू करती रहेगी कई देर तक, डोर क्लोज ही करने पड़ेंगे मेरे को तभी जाके बंद होगी। इस साइड में देखोगे ना इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको वही मिल जाती है जैसे कि ब्रेजा में आती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी जो है सपोर्ट करती है। ये मेरे को लगा था भाई इसके अंदर फिजिकल नॉब दे रखा है जैसे कि इसकी वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, बट कुछ नहीं, सिर्फ हैजार्ड लाइट के स्विच मिलते हैं। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए दे रखे हैं। USB मिल जाती है, बट ऑक्स तो अभी भाई कंपनी ने सभी ने बंद कर दिया है। यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है 12 वोल्ट का शॉक किट, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। गियर नॉब एज यूजुअल जैसा आता है वही है। ये आपका वेंटिलेटेड सीट के लिए दे रखा है, मोड एंड ड्राइव मोड का दे रखा है। दो ग्लास होल्डर, आर्मरेस्ट जो है इसके अंदर आपको स्लाइडिंग वाला मिलता है, और स्पेस देख लो इसके अंदर कुछ इतना अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखोगे तो एम्बिएंट लाइट भी दे रखे हैं, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, बाकी यहाँ पे लेदर का वर्क है, और नीचे भी यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज मिलेगा। ये वाला पूरा जो पैनल दे रखा है ना देखने में आपको पूरी फॉर्चुनर की सी याद दिलाने वाला है। इसका ग्लोव बॉक्स देखोगे सही साइज का दे रखा है भाई, और इसके अंदर IRBM जो है ऑटो डे नाइट वाले मिलते हैं, और सनरूफ की ओपनिंग ज़्यादा बड़ी है, बट चौड़ाई जो है इसकी सनरूफ की वो आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। सनग्लास होल्डर है यहाँ पे, सनरूफ की ओपनिंग वगैरह क्लोजिंग वगैरह सारे बटन यहीं पर है। ये भाई मैक्स पोजिशन पर जो है खुली हुई है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है एज वेल एज लैम्प है, और ड्राइवर साइड मिरर में लैम्प है एज वेल एज मिरर जो है इसके अंदर में मिल जाते हैं। अंडर थाई स्पॉट भाई काफ़ी अच्छी है, लेग रूम वगैरह भी जो है गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और डेड पेडल भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। जैसे इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना तो जो ये पूरा पैनल दिया उन्हें थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि भाई थोड़ा सा ऊपर है सीट, मैंने पूरी ऊपर करा के फिर भी ऐसा महसूस होता है कि सारा पैनल और जो बोनट है वो आपको थोड़ी सी ऊपर वाली सी पोजीशन में लगने वाला है। बाकी साइड विंडो से और RVM से बिल्कुल ठीक हुआ है, और हेडरूम भी 6 फुट के हिसाब से भाई कितना मिलता है यार माइक लगा हुआ तुम्हें, ठीक ठाक सा जो है इस गाड़ी के अंदर आप लोग को हेडरूम अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ से इसकी HUD डिस्प्ले जो है निकलेगी वो तो आप लोग को पता ही है भाई कहाँ से क्या निकलती है। तो गाइस जो फर्स्ट रो की सीट है 5-7 के हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो इसके अंदर भाई नी रूम काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है। इनफैक्ट 6 फुट का बंदा जैसे आगे बैठेगा तो भी भाई पीछे के अंदर जो नी रूम है और लेग रूम है काफ़ी बेहतरीन सा मिल जाता है। देखो 5-7 के लिए एक नंबर का नी रूम दे रखा है। अंडर थाई स्पॉट एक नंबर है। रेक्लाइनिंग एंगल भी जो है गाड़ी में काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है, और जो इसका रेक्लाइनिंग एंगल है ना वो आप 2-way में एडजस्ट कर सकते हो। एक तो ये वाला हो गया पोजीशन, और एक जो दूसरी पोजीशन रहेगी वो आपकी ये वाली इसके अंदर रहने वाली है। आइसोफिक्स सीट्स भी इसके अंदर मिल जाती है। इसके अंदर 2 3-point सीट बेल्ट है, 1 2-point सीट बेल्ट मिल जाती है। बीच का हम्प जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, बीच में एयर के वेंट्स भी दे रखे हैं, और 2 चार्जिंग के लिए सॉकेट दे रखे हैं। एक तो सी टाइप सॉकेट है, एक USB वाला सॉकेट मिल जाता है। 3 इसके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं, बीच वाला हेडरेस्ट थोड़ा सा छोटा मिलता है। आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 ग्लास होल्डर के साथ में।
60-40 स्प्लिट सीटें भी दे रखी हैं। जैसे आप क्रेटा या क्रेटा से देखोगे तो उसके अंदर क्या है, जो सनरूफ की चौड़ाई है वो ज़्यादा मिल जाती है, बट इसके अंदर जो लेंथ दी गई सनरूफ की वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है, और जो ओपनिंग है वो भी भाई क्रेटा से कहीं ज़्यादा इसके अंदर मिल जाती है। बीच वाला जो बंदा बैठेगा भाई पीछे थोड़ा टाइट सा अजीब सा हो गया, क्यों आर्म रेस्ट आ गया ना, बाकी जो अंडर 23 फुट है वो भी कम हो गई है। कुशनिंग वगैरह इसके अंदर से आप लोग को ठीक से मिल जाती है। दोनों सीटों के पीछे जैसे देखोगे तो आप लोग को मैगजीन होल्डर भी जो है अवेलेबल हो जाता है। बीच का हम भाई थोड़ा सा ज़्यादा इसी के अंदर से उठा हुआ है। इस गाड़ी के अंदर ना दो इंजन ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। एक तो आएगा 1462 सीसी का, जो कि आपकी 103 पीएस ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा, और एक आएगा इसका 1490 सीसी वाला इंजन, जो कि आपकी 115 पीएस ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा और 122 एनएम का ही टॉर्क जो है प्रोड्यूस करेगा। जो 1490 वाला सीसी वाला इंजन है वो ये है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में आएगा। ये आपकी माइलेज जो है भाई काफ़ी तगड़ी से निकाल के दे देगा। इंसुलेशन भी प्रोवाइड है, बट इंजन के ऊपर ना कोई कवरिंग प्रोवाइड नहीं है। फिर भी जो इस गाड़ी का इंजन है भाई काफ़ी रिफाइन है और काफ़ी साइलेंट है। इसके साथ वीडियो कहीं पर एंड करते, टेक केयर भाई, थैंक यू सो मच।